हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है उत्पल पटेल और आप देख रहे हैं उत्पल हेल्थ। तो आज का टॉपिक है कि प्रोटीन फूड्स जिनको आप अपने डाइट में शामिल कर अपनी डेली की प्रोटीन की जरूरत को अवश्य पूरा कर सकेंगे और वो भी प्योर वेज इंग्रेडिएंट के साथ। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस जानकारी का अच्छे से लाभ ले सकें। तो प्रोटीन पाने के लिए अक्सर मांस, मछली और अंडा खाने की सलाह दी जाती है। इनमें ना केवल प्रोटीन बल्कि विटामिन और आयरन भी भरपूर होता है। तो मांसाहार खाने वाले लोग तो इन्हें आसानी से खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो शाकाहारी यानी कि नॉनवेज नहीं खाते। तो अगर आप भी नॉनवेज नहीं खाते तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आज मैं आपको प्रोटीन से भरपूर फूड के बारे में बताऊंगा जो मांस से ज़्यादा ताकतवर है और शरीर में प्रोटीन की कमी को भी पूरा करते हैं। तो पहला है पीनट और पीनट बटर। तो ये बहुत ही सस्ता प्रोटीन फूड है। तो 30 ग्राम पीनट्स में या 2 टेबलस्पून पीनट बटर में आपको 60 ग्राम प्रोटीन, 14 ग्राम फैट और 6 ग्राम कार्ब्स होता है। अब चाहे तो पीनट बटर घर पर ही बना सकते हैं। तो अब दूसरा है आलमंड यानी कि बादाम। तो बादाम एक हाई प्रोटीन नट है। 30 ग्राम बादाम में आपको 9 ग्राम प्रोटीन और 18 ग्राम फैट मिलता है, जो कि गुड फैट होता है जो आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब अगला है टोफू। तो टोफू आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है और टोफू एक हाई प्रोटीन लो कार्ब्स फूड है। टोफू में 15 से 18 ग्राम प्रोटीन और साथ ही इसमें आपको 1 से 2 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं और 1 से 2 ग्राम फैट भी मिलता है, जो बहुत ही कम मात्रा में फैट होता है। टोफू का इस्तेमाल आप सैंडविच में या सब्जियों में कर सकते हैं। तो अब आगे है पनीर। तो पनीर एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो कि एक हाई प्रोटीन और हाई फैट फूड है। 100 ग्राम पनीर में आपको 18 ग्राम प्रोटीन और 20 ग्राम फैट मिलता है और इसमें 0 कार्ब्स होते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और ऐसा नहीं है कि फैट लेने से आपके शरीर में फैट बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज लेने से आपके शरीर में फैट बढ़ता है। तो आगे है लेंटिल्स यानी कि दालें। तो एक कप पकी हुई दाल में आपको 15 से 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है, साथ ही इसमें आपको स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स भी मिलेंगे। और लेंटिल्स आपको हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं और दाल का इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं। तो अगले है कद्दू के बीज। तो आधा कप कद्दू के बीज में 16 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और आयरन भी भरपूर होता है, जिससे ना सिर्फ बीमारियों को दूर रखने में बल्कि बालों में भी भरपूर मजबूती आती है। तो अब अगला है दूध। तो दूध एक बहुत ही अच्छा और सस्ता वेजिटेरियन प्रोटीन फूड है और यह आपको बहुत ही आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा। और 250 ml दूध में आपको 7 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम फैट और 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन फैट मिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 0 फैट मिलेगा, लेकिन प्रोटीन उतना ही रहेगा। तो अब अगला है सोया चंक्स। सोया चंक एक हाई प्रोटीन फूड है। तो सोया चंक में 25 ग्राम प्रोटीन होता है और साथ में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 0 फैट होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि सोया चंक खाने से या कोई भी सोया प्रोडक्ट खाने से उनका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अनलेस आप इसे ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। इसके लिए 25 ग्राम प्रोटीन अगर आप किसी भी सोया प्रोडक्ट से लेंगे तो आपको एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगला है राजमा। 100 ग्राम पके हुए राजमा में आपको 9 ग्राम प्रोटीन, 1 से 2 ग्राम फैट और 23 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं और 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 6 ग्राम फाइबर भी मिलेगा। तो ये भी एक प्रोटीन का अच्छा ऑप्शन होगा। तो अब अगला है ब्रोकली। ब्रोकली भी प्रोटीन का एक बेस्ट ऑप्शन है। तो एक कप ब्रोकली में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ ही इससे आप शरीर में 30% कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। तो अगला है सफ़ेद चने यानी कि छोले। तो यहाँ पर कई लोग बोलेंगे ये तो हाई कार्ब फूड है, लेकिन इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें से 9 ग्राम फाइबर है और फाइबर को कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं गिना जाता। तो सफ़ेद चने में 9 ग्राम प्रोटीन, 33 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जिसमें से 9 ग्राम फाइबर है और इसमें जो फैट है वो है 1 से 2 ग्राम।
तो अब 12वां और आखिरी है पालक। तो एक कप कटी हुई पालक की पत्तियों में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ ही इसमें आयरन भी होता है जो आपकी हड्डियों और आंखों के लिए अच्छा होता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो मैं उत्पल पटेल मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।